नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूपी 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शुभी चतुर्वेदी। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में आज रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे नगर विधायक मनीष असीजा और सीडीओ नेहा जैन ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। वहीं इस रक्तदान दिवस पर नगर विधायक मनीष असीजा के साथ आज तक चैनल के पत्रकार सुधीर शर्मा व अन्य कई समाज सेवी लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर सीएमओ एस के दीक्षित, सीएमएस आर के पांडे, डॉक्टर आलोक शर्मा के साथ साथ कई लोग भी उपस्थित रहे। ये फिरोजाबाद का जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर आज विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक मनीष असीजा जी व सीडीओ नेहा जैन जी भी मौजूद रहे। सभी रक्तदाताओं को हॉस्पिटल के सीएमएस आर के पांडे जी द्वारा सम्मान किया गया और उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए और गिफ्ट भी दिया गया। इस रक्तदान दिवस कई संस्थाओं के पदाधिकारियों ने शिरकत किया और पत्रकारों ने भी यहां रक्तदान किया। आज विश्व रक्तदाता दिवस है, आप शहर के विधायक हैं, आपने रक्त देने की क्यों ठानी? नहीं, मैं दरअसल जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था तब से समय समय पर रक्तदान का महत्व भी समझाया गया और ये बहुत पहले से ही समझा दिया गया कि खून देने से कोई दिक्कत नहीं होती है, बस ये डॉक्टर की सलाह आपके साथ रहनी चाहिए, तो मेरा अनेक बार का अभ्यास है। पर आज तो शिविर का उद्घाटन किया था, आज खाली चले जाते तो हमको खुद बड़ी झेप लग रही थी, इसलिए इस आज जो पवित्र दिन है जिसमें अमर उजाला परिवार और जिला अस्पताल और विभिन्न हमारे शहर के सम्मानित सामाजिक संगठन, बहुत बड़ी संख्या में बहनें, छात्र, सभी समाज सेवी और आप सम्मानित पत्रकार बंधु, अगर देखा जाए तो आज रक्तदान दिवस पर जिस प्रकार की सहभागिता होनी चाहिए, डॉक्टर्स की, जिला प्रशासन के अधिकारियों की, पत्रकारों की, सामाजिक संस्थाओं की, भाषण से न देकर स्वयं भौतिक रूप में खुद भी रक्तदान में अपने को संबद्ध करते हुए, जैसा आपने बताया भी पीछे के शिविर में सीएमओ साहब ने भी रक्तदान किया था, ये सब हम सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेरणा भी लेते हैं और ये हमारा या हम सभी रक्तदाता दानदाताओं का जो खून है वो विपरीत परिस्थितियों में, ट्रॉमा के मरीजों में और जो क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं, थैलेसीमिया की या हीमोफीलिया की, उसकी इन सब समस्याओं में ये कितना काम आता है, इसका शायद बहुत सारे लोगों को हमसे ज़्यादा संज्ञान है, लेकिन वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नगर विधायक मनीष असीजा जी ने फीता काटकर शुभारंभ किया और सबसे पहले रक्तदान भी किया और बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। एक इंसान के रक्त देने से उस रक्त से चार लोगों की जिंदगी बच जाती है, इसलिए रक्तदान सबको करना चाहिए। देखिए, आज जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में विश्व रक्तदाता दिवस जो कि 14 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वह जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में आज मनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन माननीय नगर विधायक श्री मनीष असीजा जी एवं मुख्य विकास अधिकारी जो आज डीएम का भी चार्ज देख रही हैं उन्होंने, और सीएमओ फिरोजाबाद श्री एस के दीक्षित साहब, मैं स्वयं जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद सीएमएस और महिला चिकित्सालय की सीएमएस साधना राठौर जी और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं की उपस्थिति में किया गया, जिसमें अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान अभी चल रहा है, जिसमें आज 25 से 30 के रक्तदान होने की संभावना जताई जा रही है, उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और रक्तदान की प्रक्रिया भी चल रही है। आज इस अवसर पर जिन लोगों ने वर्ष भर हमारे यहाँ रक्तदान किया है उन सभी संस्थाओं को और उन सभी इंडिविजुअल व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया, उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया और सम्मान स्वरूप उनको एक छोटी सी प्रतीक के तौर पर गिफ्ट भी दी गई, और उसके अलावा सभी ने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। माननीय विधायक श्री नगर सेजिया जी ने एक उदाहरण पेश करते हुए स्वयं भी रक्तदान यहाँ पर आज किया है, उन्होंने उद्घाटन किया है, वह रक्तदान पेश करके भी किया है और
जैसा कि सभी को पता है कि रक्तदान महादान की श्रेणी में माना गया है। रक्तदान से कई लोगों का जीवन बच सकता है। एक रक्त में 4 कंपोनेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में फिरोजाबाद के CMO SK दीक्षित और जिला अस्पताल के CMS RK पांडे के साथ साथ कई डॉक्टर व अमर उजाला अखबार की पूरी टीम भी मौजूद रही। वहीं कई महिलाओं द्वारा भी आज रक्तदान दिवस पर रक्तदान किया गया। फिरोजाबाद से कृष्णा पोरवाल की रिपोर्ट। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य सुबूर अली, मैं आप सबको UP24 न्यूज के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जनपद वासियों को ईद के मुबारक मौके पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और हम लोग इस बार इस ईद के मौके पर पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से गले मिलने का काम करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये देश, गंगा जमुना का ये देश, हम चाहते हैं कि इस बार फिर एक नई खुशियों के साथ में पुराने गिले शिकवे मिटाकर आपस में गले मिलने का काम करें। मैं इसी तरह साथ में आपको एक बार फिर दिल की मुबारकबाद देता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अहमद अरिस्टोटेलर, व्यापार मंडल, जिला संगठन मंत्री, फिरोजाबाद। सभी देशवासियों को और नगरवासियों को हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए ईद और दशहरे की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।